पीएचडी कर लेता है। उसके बाद बाबूजी कहेंगे सुनो ना नूनू, पीएचडी कर लिए हो, बीएड कर लो, कहीं मास्टरों बन जाओगे। और देखिए पीएचडी करने के बाद बीएड करता है कि कहीं नौकरी मिल जाए। अब मान लीजिए कि ये भगवान आपको मिल गए किसी तरह से, किसी तरह से आपको सरकारी नौकरी मिल गई, तो पहले वाला नौकरी अब नहीं है क्या सिपाही जी? पेंशन मिलेगा? देख लीजिए, खाली पेंशन बंद नहीं, उनको ठेके पे कर दिया गया है। मेरा भाई सीआईएसएफ में नौकरी करता है, चूड़ा दही खाने आया था मकर संक्रांति में, बोले बउआ सब ठीक? बोला सब ठीक दोस्त, थोड़ा हम एक के उम्र के हैं। बोला लेकिन जानते हो तो फौज में भी ठेकेदारी होगा? हम बोले क्या होगा? सीआईएसएफ में 1,00,000 लोगों को ठेके पे बहाल किया जाएगा। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा। बीएड करने के बाद अगर मास्टर हो भी जाइएगा तो एक के स्कूल में दो तरह के टीचर हैं। अभी हमारी एक फुआ आई थी मिलने के लिए, 68,000 टीचर हैं। और थोड़े देर बाद उनका बेटा आया था मिलने के लिए, 15,000 वाला टीचर है। एक के स्कूल में दो तरह के टीचर हैं। क्या हुआ समान काम के समान वेतन का? ये हमारा मुद्दा है, ये बिहार है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे हमारी सड़कें अच्छी हो, उद्योग धंधा लगे, बिजली की व्यवस्था हो। क्यों हम पढ़ने के लिए दूसरे जगह जाएंगे? बिहार में जमीन का कमी है क्या? यहाँ IIT नहीं खुल सकता है, यहाँ एम्स नहीं बन सकता है, यहाँ जो है ट्रैक्टर का फैक्ट्री नहीं खुल सकता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि बिहार के लोगों को अपना घर बार छोड़ करके, अपनी संस्कृति, अपना इतिहास, अपनी मिट्टी छोड़ करके दूसरे जगह काम करना पड़ता है। नवादा का आदमी बंबई में जाके काम करता होगा, महाराष्ट्र का कोई आदमी यहाँ आपको नारंगी बेचते हुए मिला है? ये रियलिटी है, ये हमारा मुद्दा है। हमारे बीच में कोई चर्चा नहीं हो, चाय का दुकान हो, पान का दुकान हो, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप हो, स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप हो, पुरन का, नई का, दोस्त पुरान, सब जगह एक ही चर्चा है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। तो हमको ये समझना पड़ेगा ना कि सैकड़ों सालों से साथ में रहते आए हैं, 2019 में 2014 में ऐसा क्या हो गया देश में कि सब कुछ छोड़ करके सिर्फ हिंदू मुसलमान का चर्चा हो रहा है? घोड़ा देखे टमटम चढ़े हैं, तो घोड़वा को क्या किया जाता है ना, एगो पट्टा लगा देते हैं दोनों बगल से। जानते हैं क्यों? कि घोड़वा पीछे नहीं देखे, घोड़वा आगे आगे चले, घोड़वा दाया ना घोड़वा बाया नहीं देखे। तो उसी तरीके से जैसे घोड़ा को दुग पट्टी लगा देते हैं आंख में, हम लोगों के आंख में भी दुग पट्टी लगा दिया गया है, हिंदू हुआ मुसलमान। तो घोड़ा थोड़ी है जी, घोड़ा है क्या? इंसान है ना, इंसान है तो दिमाग भी है ना। दिल दे दिए हैं मोदी जी को, हमको पता है, तो दिल ही दिए है ना, है? ये कहावत है, दिल आया गधी पर तो परी का क्या कहें। दिल ही दिए हैं ना, दिमाग है ना, दिमाग से सोच करके देखिए कि जब खेत में मर रहा हो किसान, सीमा पे शहीद हो रहा हो जवान, इसीलिए आपके टीवी में होता है दिन रात हिंदू और मुसलमान। ये बात आप समझ लीजिए कि एक एक करके इस देश में लोगों के हक और अधिकार छीने जा रहे हैं, एक एक करके जो सरकारी संस्थान है वो बेचे जा रहे हैं। हमको ये समझना पड़ेगा कि गृह मंत्री ने देश को NRC में उलझाया है ताकि वित्त मंत्री LIC को बेच सके। हमको ये समझना पड़ेगा कि ये कैसी सरकार है भाई। कौन ऐसा माए बाप होता है बताइए कि अपना बाल बच्चा को दुर्गा जी में फुल पेंट नहीं दे, और पड़ोसी के बेटा को जो है जैकेट खरीद के ला दे लुधियाना, ऐसा कौन माए बाप होता है? ये कौन सी सरकार है भाई जिसको सरकारी कंपनी की चिंता नहीं है? BSNL बिक जाए लेकिन Jio धन धना धन होना चाहिए।